दोस्तों, क्या आपके पास भी इस तरह की नई साइकिल है? आपने अभी अभी नई नई साइकिल खरीदी है और साइकिल चलाते चलाते दोस्तों क्या आपका मरगाड़ नीचे गिर गया रोड के ऊपर? आप साइकिल चला रहे थे और ये जो मरगाड़ है चलाते चलाते ही नीचे गिर गया दोस्तों। मतलब नई साइकिल है, 3 से 4 महीने में खरीदी हमने और ये चलाते चलाते बिल्कुल नीचे गिर जाए। तो अब इसके साथ हम इसको रिपेयर कैसे करें दोस्तों? क्या होता है दोस्तों, एक्चुअली ये जो हमारा मरगाड़ है दोस्तों, देखिए ये मरगाड़ है हमारा, तो यहाँ से क्या होता है, ये टूट जाता है दोस्तों। इसकी जो ये देखिए यहाँ पर ऐसा अटका होता है, ये पूरा जॉइंट होता है, तो ये टूट जाता है दोस्तों। इस तरह से टूट जाता है, उस वजह से मरगाड़ जो है दोस्तों हमारा, ये यहाँ से जो यहाँ पर जो मरगाड़ लगा होता है हमारा, और ये जो नट बोल्ट होता है यहाँ पर ऐसा फंसा होता है दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से फंसा हुआ होता है। तो ये यहाँ से ये जो होता है ये वाला यहाँ पर ऐसा होता है दोस्तों। देखिए क्या होता है, टूट जाता है, टूट जाने के बाद हमारा मरगाड़ नीचे गिर जाता है दोस्तों। जब हमारा मरगाड़ इस तरह से नीचे गिर जाए तो हम घर पे ही इसे किस तरह से रिपेयर करें दोस्तों, बहुत सिंपल तरीका है और बिल्कुल एक भी रुपया खर्चा ना करके आप इसे घर पे ही लगा सकते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान जुगाड़ है दोस्तों, ये नई साइकिल जो होती है दोस्तों रिपेयर करना बहुत ही आसान होता है और इसमें मेंटेनेंस, नई साइकिल है जो एवन न्यू साइकिल है दोस्तों, मैं तो बताता हूँ इसका जो मेंटेनेंस है बिल्कुल जीरो है, बहुत ही कम। आप घर में इसको रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों, अगर 2-4 तरह के पानी हो तो आप घर में ही रिपेयर कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा इसके लिए आपको किस तरह के पानी रखने चाहिए, मतलब टूल्स किस तरह के रखने चाहिए, आखिरी में वीडियो के आखिरी में मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि हमारा चैनल यंत्र कारागिर, इसके ऊपर इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोज, साइकिल हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मल्टीमीटर हो गया, इस तरह के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी यंत्र यानी कि मशीन है दोस्तों, उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारी वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन की बटन जरूर दबाइए दोस्तों, और हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करिए दोस्तों, और हो सके तो आपके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, ताकि उन तक भी इस तरह की नॉलेज जल्दी से जल्दी पहुँच सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपको तो बता दिया ये तो नीचे गिर गया, अब हम क्या करेंगे दोस्तों? देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह का ही होता है दोस्तों। इसको कुछ नहीं करना है, छेड़छाड़ नहीं करना है, ये यहाँ से इस तरह से टूट चुका है, इसको भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है हमें। अभी हमें क्या करना है दोस्तों, इस तरह का एक तार लेना है दोस्तों। ये देखिए, ये हमारे घर में अर्थिंग का तार तो होता ही है दोस्तों, आपको बता दूँ जो अर्थिंग का तार होता है वो हमारे घर में होता ही है दोस्तों। तो इस तरह का एक तार ले लीजिए और इस तरह के तार से क्या कीजिए दोस्तों, इस तरह से एक बना लीजिए। ये देखिए, ये जो है मैंने इस तरह से जो बनाया है इसको, ये देखिए आप भी बना सकते हैं। एक पेंचिस आपके पास होना चाहिए, इस तरह की पेंचिस होनी चाहिए आपके पास में, और इसी से आपको इसको बना सकते हो दोस्तों। ज़्यादा कुछ नहीं किया, इसको आप देख सकते हो, इसको देख सकते हो, इस तरह से बनाया मैंने, ये देखिए इस तरह से बनाया है इसको। आप भी इस तरह से इसको बना लीजिए घर पर ही, घर पर आपके घर में इस तरह का तार होगा, बहुत आसानी से बना सकते हो आप इस तरह से इसको। और इस तरह से बनाने के बाद क्या करना है दोस्तों आपको, ये देख लीजिए ये जो हमारा ब्रैकेट है, तो इसको यहाँ पे इस तरह से फंसा लेना है दोस्तों। देखिए ये जो टुक है ये वाला, इसको इस तरह से यहाँ पे फंसा लेना है दोस्तों। इस तरह से यहाँ पे फंसाने के बाद ये देखिए, ये जो हमारे दो नट दिख रहे हैं आपको, दो नट दिख रहे हैं दोस्तों, इसके बीचों बीच है, इसके आजू बाजू में और दोनों नट के लिए बीचों बीच आना चाहिए, और ये देखिए यहाँ पे, और ये इस तरह से इधर से देखिए इस तरह से आ जाता है दोस्तों, आप खुद देख लीजिए ये जो है इस तरह से, ताकि यहाँ पे हम नट फंसा सकें दोस्तों। ये देखिए इस तरह से नट फंसा सके हम, इसलिए इसको इस तरह से कर दिया, इसको इस तरह से कर दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना हमने 2 होल मारे हुए हैं, ये देखिए इस तरह का सुज्जा आता है। देखिए दोस्तों, ये जो है इस तरह का सुज्जा आता है, या आपके घर में किसी भी तरह का सुज्जा हो तो उससे क्या कर दीजिए आप, यहाँ पर ये यहाँ पे एक इस साइड में और यहाँ पे एक इस साइड में, यानी कि ये जो पट्टी है दोस्तों, ये देख रहे हो आप, ये वाली जो पट्टी है, इस पट्टी के साइड में एक छेद करना है आपको, यहाँ पे एक छेद करना है और इधर में एक छेद करना है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से 2 छेद कर लेना है, और आपको दोस्तों इस तरह का एक तार, ये देखिए ये इस तरह का लोहा लकड़ में जो तार मिलता है, या आपके घर में पढ़ाई जो होता है इस तरह का तार दोस्तों, तो इस तरह का तार ले लीजिए। इस तरह के तार को क्या कीजिए आप, इस तरह से कट कर लीजिए पेंचिस से कट कर लिया आपने, इसको इस तरह से डबल कर दीजिए, ये देखिए इसको इस तरह से डबल कर दिया हमने,
डबल करने के बाद इसमें से थोड़ा सा ये देखिए इसको बराबर कर दीजिए। और देखिए दोस्तों ये जो है इसका जो छेद है तो इसको और थोड़ा सा हम इस तरह से कर देते हैं, देखिए इस तरह से कर दिए। और देखिए ये जो दो छेद है दोस्तों इसके, इन दो छेद में से इस तरह से इसको डाल देंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए बिल्कुल टाइट, और देखिए इस तरह से फिर इसको क्या करना है दोस्तों, ट्विस्ट कर देना, इस तरह से ट्विस्ट कर देना इसको, आप देख सकते हो इस तरह से इसको ट्विस्ट कर दिया, पेंचेस से बिल्कुल टाइट कर देना इसको। पेंचेस से पूरा इस तरह से बांध करके बिल्कुल टाइट कर देना दोस्तों। तो ये बिल्कुल टाइट हो गया, अभी निकलेगा नहीं दोस्तों। ये जो है पीछे में हमारा ये जो है ये इसको पकड़ मिल चुकी है, ये जो दिख रहे हो इसको पकड़ मिल चुकी है, तो ये नीचे गिरेगा नहीं, मतलब गिरेगा भी नहीं, नीचे गिरेगा भी नहीं, मजबूत हो जाएगा। फिर क्या करिए आप, ये जो एक्स्ट्रा तार है इसको कट कर दीजिए, एक्स्ट्रा तार को हमने कट कर दिया और इसको बराबर प्रॉपर बिठा दिया दोस्तों इसको इस तरह से। तो देख सकते हैं आप इस तरह से ये इसमें बैठ गया दोस्तों, और ये इस तरह से इधर से देखिए सर से इधर से ये भी बैठ गया, और ये जो है तो देखिए ब्रैकेट तरह से हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए तो यहाँ पे एक नट लगा होता है, इस नट को निकाल रिमूव कर देना, इस नट को रिमूव कर देना, और ये देखिए यहाँ से इस तरह से और ये जो नट है दोस्तों यहाँ से इस तरह से लगा देना है और इसको टाइट कर देना है दोस्तों, तो जो है इस तरह से टाइट कर देना है। अभी देखिए दोस्तों एक पिंचिस हमारा और ये हमारी 10 नंबर का टी, ये देखिए दोस्तों ये 10 नंबर का टी है, ये 10 नंबर का टी हो गया। और इस पिंचिस से पीछे के नट को पकड़ लेना है और सामने के नट में 10 नंबर का टी फंसाना है और इस तरह से टाइट कर देना है, इस तरह से जो है इसको टाइट कर देना है, फिर को परफेक्ट टाइट कर देना है, पूरा टाइट ना हो। देखिए दोस्तों हमारा जो मजाड़ है बिल्कुल परफेक्ट बैठ चुका है दोस्तों, देखिए हम इस तरह से इसको परफेक्ट बिठा देते हैं दोस्तों। देखिए हमने इसको अच्छे तरीके से कस लिया है और ये देखिए हम एकदम परफेक्ट बैठ गए हैं। देख सकते हो दोस्तों ये हमारा मगाट बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये बैठ चुका है। देखते दोस्तों आप खुद ही देख लीजिए, हमने इसको बिठा दिया है इस तरह से, बिल्कुल मजबूत हो गया दोस्तों और इस तरह से बैठ चुका है दोस्तों मगाट। तो आप भी दोस्तों इसी तरह से घर में ही इस तरह से आप मगाट साइकिल का मगाट लगा सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं साइकिल के इस तरह के काम करने के लिए आपके पास क्या क्या टूल्स होना चाहिए। एक पेंचिस हो गया दोस्तों, ये देखिए आठ नंबर का टी पाना हो गया, ये हो गया 13 नंबर का टी पाना, ये 10 नंबर का टी पाना, इस तरह का स्क्रू ड्राइवर, और ये एक सुज्जा हो गया हमारा, और दोस्तों इस तरह की आरी छोटी सी, ये देखिए आरी, ये पटास। तो इस तरह के छोटे मोटे हमारे पास अगर टूल्स है, वो हथौड़ी हो गई दोस्तों टूल्स है, तो हम ये साइकिल का जो है दोस्तों पूरा काम कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों मैं इसके पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें साइकिल का डिस्क ब्रेक सुधार के दिखाया, उसमें एक टूल्स लगता है जिसे हम एलंकी कहते हैं दोस्तों, तो वो एलंकी भी आपके पास हो तो आप इस साइकिल को अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों घर पर ही दोस्तों।
तो दोस्तों आज का यह वीडियो हमारा आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल यंत्र कारागिर को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन दबा दीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके दोस्तों। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ दोस्तों।